नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी के मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। मुरादाबाद की मस्जिद में दो गुटों में झड़प देखी गई है। नमाज पढ़ने आए दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों गुटों में जमकर लात घुसे चले हैं। घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 30 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, 30 अगस्त की ये घटना है और इस दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे, उसी वक्त दो गुटों में कहासुनी के बाद ये झड़प हुई और यहाँ पर जमकर लात घुसे चले। इसका पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, मस्जिद के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर एक दूसरे को लोग बेरहमी से मारते पीटते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ना जाने किस बात पर ये विवाद पूरा शुरू हुआ, लेकिन ये वीडियो अभी फिलहाल जमकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। मुरादाबाद के मस्जिद का ये वीडियो बताया जा रहा है जहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए दोनों गुटों में जमकर जो है दो गुटों में यहाँ पर हाथापाई हुई है। 30 अगस्त की ये घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, एक दूसरे पर लोग कितने आक्रामक होकर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, मामले पर अधिक अपडेट के लिए मुरादाबाद से हमारे सहयोगी सहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहनवाज, किस तरीके से ये पूरा विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत ऐसी आई कि मस्जिद में ही लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, क्या वो कारण रहा जिसके चलते इस तरह की नौबत यहाँ पर देखी गई? देखिए आप, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना इलाके के सब्जी उमरीपुर का बताया जा रहा है, जहां पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। और इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं मस्जिद के अंदर ही कैसे दो पक्ष जो है जमकर वहां पर लात घूंसे चला रहे हैं, वहां पर जमकर बेल्ट चल रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं, तमाम तरह से वहां पर जो है उपद्रव मचाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में हमारी आज जो है बात हुई थी थाना प्रभारी पागबड़ा से, उन्होंने बताया कि बच्चों का विवाद था और विवाद इतना बढ़ गया कि वो मस्जिद तक आ गया और दो पक्षों में जमकर वहां पर जो है इसमें आज जो मारपीट हुई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो है पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और ये प्रकरण जो है सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर धार्मिक स्थल के अंदर की ये तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पर आज इस तरीके से वहां अंदर आज लात घूंसे चलाए गए, वहां दो पक्ष के लोग ऐसे आमने सामने आए कि बेहद जो है कहीं ना कहीं वहां अंदर झगड़ा बढ़ गया और बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। फिलहाल अब ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस इस वीडियो में जो है फिर और संज्ञान लेने की बात कर रही है। जी ठीक है, अभी फिलहाल हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं शहनवाज, और क्या शांति अभी वहां पर देखी जा रही है, क्या पुलिस की तरफ से वहां पर और कार्रवाई आगे की गई? देखिए आप, बिल्कुल वीडियो जो है शुक्रवार का बताया जा रहा है, ये वीडियो आज कई दिन पुराना है और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो फिर लोग जो है इसे काफी जो वायरल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे वीडियो पर जो है और भी संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो है पहले ही अभियोग पंजीकृत है, हालांकि अभी पुलिस और छानबीन कर रही है वीडियो के माध्यम से कि आखिर कौन लोग थे, कौन लोग इस वीडियो में जो है झगड़ा कर रहे हैं, कौन लोग आपस में जो है मारपीट कर रहे हैं। पुलिस का कहना है निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है शहनवाज, कितने लोगों से अभी इसमें पूछताछ की जा चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से मस्जिद में ये मामला सामने आया है, हालात वहां पर बिगड़ सकते थे, हालांकि वक्त रहते इन सब पर काबू पा लिया गया और हालात ज़्यादा नहीं ख़राब हुए, लेकिन वाकई में ये वीडियो भी चिंताजनक है। इस तरीके से लोग एक दूसरे को बेरहमी से पीटते यहाँ नज़र आ रहे हैं और वो भी मस्जिद के अंदर इस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है। तो ऐसे में पुलिस ने वहाँ पर जाकर हालात को तो सामान्य कर लिया है, लेकिन पूछताछ किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे की जा रही है? देखिए आप, बिल्कुल जैसे पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि विवाद जो था वो बच्चों की झगड़े का था, उसके बाद मस्जिद के अंदर विवाद बढ़ गया, दोनों लोग आपस में भिड़ गए और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है कई दिन बाद वायरल हुआ। पुलिस के संज्ञान में जैसे ये वीडियो आया है तो पुलिस ने पहले ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, पुलिस का ऐसा कहना है। और अब फिलहाल जो है जो वीडियो है उसका संज्ञान लिया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से लोगों की पहचान कराई जा रही है और ये वीडियो धार्मिक स्थल के अंदर के झगड़े का है, तो निश्चित तौर पर पुलिस का जो है इसमें जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस का कहना है कि लोगों की पहचान कराई जा रही है। जी
ठीक है शहनवाज, बिल्कुल वाकई में चिंता का ये पूरा मामला है। कार्रवाई इस पर पुलिस द्वारा की गई है, मामूली सी बात थी और उसको लेकर इतना ये विवाद वहाँ पर पड़ा है। ऐसे में सख्त कार्रवाई होना भी इसमें लाजमी है। जिन बच्चों की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है, उनके परिवार वालों की तरफ से क्या कोई बयानबाजी इस पर दी गई है? क्या वायरल हुआ है और पुलिस ने जैसे ही इस वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले में जांच की जाएगी कि आखिर पूरा मामला जो है, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये कैसे मस्जिद के अंदर वहां झगड़ा बढ़ा और वहां लोग जो है आपस में दो पक्ष, क्योंकि बड़ी तादाद में वहां लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो है मारने का आमादा हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस का यही कहना है कि अभी फिलहाल वीडियो के माध्यम से उन लोगों की पहचान कराई जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं और निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है शहनवाज, और बाकी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कोई बयान अभी सामने आया है क्या? देखिए अभी पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका किसी प्रकार का इस पर कोई बयान नहीं आया। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस पर जो है पूरी तरह से संज्ञान लिया जा रहा है और इस पूरे मामले का जो है संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है शहनवाज, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला है यूपी का, जहां पर दो बच्चे थे और जिनकी आपसी कहा सुनी हुई, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ता चला गया कि यहाँ पर धार्मिक स्थल पर जाकर लात घूसे तक की नौबत आ गई और यहाँ पर लोग एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आए, जिसका पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया गया और उस वक्त पुलिस ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। दोनों पक्षों के कुछ लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, जिनसे पुलिस पूछताछ भी कर रही है और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस द्वारा अब पूरे इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करते हुए पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की यहाँ पर कोशिश की और इतनी क्या बात पड़ी कि जिसके चलते यहाँ पर मस्जिद में इतनी भारी तादाद में लोग एक दूसरे पर इस कदर हमलावर हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, एक दूसरे को कितनी बेरहमी से मस्जिद के अंदर ये लोग एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते ये नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके का माहौल यहाँ पर मस्जिद में देखा गया, उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी देखा गया।